हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द टॉपिक इज बायबैक ऑफ शेयर्स। तो आज हम बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कौन से ऐसे टाइप्स है जिसमें आपको फोकस करना है, कितने मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये बायबैक ऑफ शेयर्स चैप्टर नहीं आता है तो भी आपको आज के रिवीजन सेशंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर में हेल्प हो पाएगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बिकॉज ऐसे ही मैराथन सीरीज़ आपको इस पूरे TYBC सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम तक आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो अगला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हमने इसके पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को पूरा रिवाइज करवाया, कल हमने मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन किया एंड आज हम बायबैक के ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे एक आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसे दोनों वीडियोज़ मिलते रहेंगे, दोनों लाइव सेशंस मिलते रहेंगे। अगर हम बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में बात करें तो बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहली चीज़ ये कितने मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आता है। तो ये आपको 20 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में पूछा जाता है। उसके साथ आपको ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है बायबैक का, जो आपके लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है। तो सबसे पहली चीज़ कि हाउ मेनी मार्क्स, तो मार्क्स इज 20, वन क्वेश्चन यू विल गेट ऑफ 20 मार्क्स एंड अदर question also you may get for 10 marks which will be for options. So those who are solving for 10 marks question, they will also get a question on buyback which will carry 10 marks in the paper. Now what will be the variety for 20 marks? 20 marks में ऐसा क्या level आएगा, 20 मार्क्स में आपको क्या क्या चीज़ें के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले देखो, बायबैक की अगर बात करें तो सबसे पहले हमको वर्किंग नोट के ऊपर फोकस करना है। मैं पूरा वर्किंग नोट कैसे बनाना है सब कुछ करवाऊंगा आज के सेशन में। आपको सिर्फ लास्ट तक बने रहना है और कमेंट्स करना है और लाइक करना है, बस आपको इतना ही काम करना है और आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो वर्किंग नोट आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, ये आपको आने ही वाला है, बिकॉज इसके बिना बायबैक हो ही नहीं सकता है। सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप क्या होने वाला है, सेकेंड स्टेप विल बी अवर जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज विल बी अवर सेकेंड स्टेप एंड द थर्ड स्टेप इज बैलेंस शीट। तो अगर हम ये तीनों चीज़ें देखें तो ये तीनों चीज़ें मिला के आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा दैट विल कैरी 20 मार्क्स। आप पूरा बैलेंस शीट प्रिपेयर करके रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग सिर्फ आपको शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस का वर्किंग नोट या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का वर्किंग नोट, बस इतना ही पूछते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा कुछ आ सकता है। तो 20 मार्क्स में यू विल गेट फुल क्वेश्चन एंड दैट विल कैरी वर्किंग नोट्स प्लस जर्नल एंट्रीज प्लस बैलेंस शीट। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, कैसे इसके वर्किंग नोट्स बनाने हैं, कैसे इसके जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने हैं, किस तरीके से बैलेंस शीट बनाना है, सब कुछ करवाऊंगा। सिर्फ आपको लास्ट तक बने रहना है, बीच में से बिल्कुल भी नहीं भागना है। अगर आप सीरियस हो TYBC सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम के रिलेटेड तो आप बीच में से नहीं जाओगे। बीच में से अगर जाओगे तो आपको कुछ भी चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होगी। पहले हम ये देखेंगे कि बायबैक में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जो सेकेंड पार्ट है, अगर आपके पेपर में बायबैक 10 मार्क्स का आता है, जो ऑप्शंस में क्वेश्चन आता है, तो 10 मार्क के क्वेश्चन में आइदर दे विल आस्क यू वर्किंग नोट एंड उसके साथ दे विल आस्क यू जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पूछेंगे एंड दोनों चीज़ें मिला के आपको 10 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन में वर्किंग नोट प्लस जर्नल एंट्रीज एंड 20 मार्क्स की अगर बात करें तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में यू विल गेट जर्नल एंट्रीज, वर्किंग नोट एंड बैलेंस शीट। तो आपको ये तीनों चीज़ें प्रिपेयर करनी है और काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। 20 में से 20 मार्क्स आपको इजीली मिल पाएंगे और ये किस तरीके से मिलेंगे वो मैं आपको अभी आगे डिस्कस करूँगा। और अगर इस चैप्टर के लेवल्स की बात करें, अभी लेवल्स की बात करते हैं, बिकॉज किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो नंबर फर्स्ट जो टाइप है, पहला टाइप कौन सा है, जिसमें आपको ऑफर प्राइस दिया रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ऑफर प्राइस अगर आपको दिया है तो वो अपना पहला टाइप हो गया। और दूसरा टाइप हो गया जिसमें आपको ऑफर प्राइस दिया नहीं होगा तो ऑफर प्राइस नॉट गिवन, दैट विल बी योर सेकेंड टाइप. तो इफ ऑफर प्राइस इज गिवन एंड इफ ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन, ये दोनों चीजें मैं अभी आपको करवाऊंगा. तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान से चीजें देखनी है. और अगर आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आज अभी जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ये सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, इसके स्टेप्स को लिख के रखिए. इतने ही पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके ये चैप्टर के बेसिक चीज़ें जो है वो कवर हो जाएगी और आप ये 20 में से मैक्सिमम मार्क्स अपने पेपर में ले सकेंगे. तो हम सीधे चलते हैं, वर्किंग नोट कैसे बनाना है, जर्नल एंट्रीज कैसे फ्रेम करना है और उसके साथ साथ बैलेंस शीट कैसे बनाना है, एक एक चीज़ डिटेल में सीखेंगे. और अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो लाइक करिए, बिकॉज आप जैसे लाइक करेंगे यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको और आगे प्रमोट करेगा. आप कमेंट करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको और बहुत लोगों के साथ शेयर कर पाएगा और अगर वो शेयर होगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा. तो दैट विल बी द पॉइंट. सो अगर आप लेवल्स की बात करें तो लेवल्स हमने डिस्कस करिए. अभी सीधा चलते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हमको सॉल्व करना है. ओके, let us start with the basic revision of the topic buyback of equity shares. So this is from the financial accounting chapter number 1. So financial accounting chapter number 1, we have already learned about the basics of buyback of shares. First of all, what do you mean by the concept of buyback? Buyback का मतलब होता है कंपनी ने जो shares already stock market में issue किए हैं वो shares को कंपनी फिर से purchase करना चाहता है, फिर से बायबैक करना चाहता है. बायबैक का मतलब होता है कि जो शेयर्स कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर लिए हैं वही शेयर्स को कंपनी फिर से परचेस कर लेगा. तो आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आएगा, सर व्हाई द कंपनी इज परचेसिंग द शेयर्स अगेन. बेसिकली व्हेनेवर द कंपनी हैज इनफ शेयर्स, enough funds in hand, enough cash in hand, surplus cash in hand, then the company can go for buyback. अभी recent अगर news की बात करें तो recently we have a company, you know that company very well because काफी blue chip company है, that is the Infosys. तो Infosys जो है अभी फिलहाल क्या करने वाला है, उनके shares को buyback करने वाला है. मतलब जो market में already shares उनके issue है उसको फिर से वो क्या करेगा, buyback कर लेगा. So basically buyback का मतलब क्या है, buyback indicates purchasing the shares from the market again. तो purchase करना market से shares को फिर से, उसी को हम कहते हैं buyback. ठीक है, तो basically ये थोड़ी सी details पढ़ेंगे. Buyback means what? Buyback means buying back by a company its shares or other securities from their holders. तो simple meaning आप याद रखो कि जो भी शेयर्स स्टॉक मार्केट में होंगे, जो भी शेयर्स मार्केट में होंगे, जैसे कि बीएससी और एनएससी भी हैव द स्टॉक एक्सचेंजेस. So whatever shares company have already issued, the company is going to repurchase their shares from the existing market, and that is called as the concept of buyback. उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं buyback. अब buyback जो है, उसको हम share stock buyback भी कहते हैं. It is also called as share stock buyback. A company limited by shares or a company limited by guarantee can buyback can have a share capital and buyback or purchase from its own shareholders. इसका मतलब क्या है कि ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, मतलब वो उसका शेयर्स लिमिटेशंस के बेसिस पे इशू किया है. ऐसी कंपनी दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज, एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनीज. सो जैसी कंपनी है उसके बेसिस पे बायबैक वो इजीली कर सकती है. तो ये ओवरऑल पॉइंट है. और बायबैक जो होता है वो स्पेसिफिक प्राइस डिसाइड किया जाता है पहले कि ये प्राइस में हम बायबैक करेंगे. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस ने डिसाइड किया है कि वो 1,700 रुपीज पर शेयर में बायबैक करेगा. अभी 1,700 पर शेयर जब होगा तब वो कंपनी क्या करेगा, उसका बायबैक कर लेगा. फिलहाल 1,500 कुछ इन्फोसिस का प्राइस चल रहा है, तो इसका मतलब इन फ्यूचर इन्फोसिस का प्राइस 1,700 हो जाएगा. तो इन्फोसिस का प्राइस 1,700 जब भी होगा तब क्या करेगा कंपनी, company will repurchase, company will buy back its shares again from the market. That is the concept of buyback. Now the question arises, क्या हम ऐसे ही buyback कर सकते हैं, क्या हम कितना buyback कर सकते हैं, कंपनी अगर चाहे तो पूरा का पूरा शेयर्स मार्केट से buyback कर सकता है क्या, ये सारी चीजें हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे. तो why buyback, तो अब हमने डिस्कस किया कि buyback क्या है. बेसिकली buyback क्यों किया जाता है, व्हाई वी आर गोइंग टू डू बायबैक। ये कुछ कंडीशंस है, ध्यान से एक एक करके देखते हैं। देखो, एक्वायर करना अदर कंपनीज को, अगर कंपनी एक्वायर करता है अदर कंपनीज को तो भी कंपनी बायबैक कर सकता है। कंपनी इज इनफ हैविंग द सरप्लस कैश, मतलब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, कंपनी के पास इनफ फंड्स है, कंपनी के पास इनफ कैश फ्लो है। सो ये जो कैश फ्लो या इनफ फंड्स होंगे उसका किस तरीके से कंपनी यूज कर सकता है वो एक एक चीज देखेंगे। इफ द कंपनी इज हैविंग सरप्लस कैश, कंपनी कैन गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन दैट इज पेइंग हाई डिविडेंड। तो सबसे सिंपल ऑप्शन है, ज्यादा पैसा आएगा तो शेयर होल्डर्स को क्या किया जाएगा, शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को हाई डिविडेंड दिया जाएगा। सो बेसिकली शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देना, शेयर होल्डर्स को हाई डिविडेंड देना, ये बेसिक पॉइंट है अगर इफ वी आर हैविंग दी सरप्लस कैश अवेलेबल। द सेकंड ऑप्शन इज एक्वायर दी अदर कंपनीज, जो डिफरेंट डिफरेंट अदर कंपनीज है उनको परचेस करना, उनको एक्वायर करना। जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंट न्यूज, रिलायंस ने जस्ट डायल में 66% का स्टेक एक्वायर कर लिया है। मतलब रिलायंस क्या करेगा, अभी जस्ट डायल में उसने स्टेक एक्वायर कर लिया, मतलब जस्ट डायल का जो भी डेटाबेस है वो सब कुछ रिलायंस को मिल जाएगा। सो बेसिकली व्हेनेवर द कंपनी इज हैविंग इनफ फंड्स, व्हेनेवर द कंपनी इज हैविंग एक्स्ट्रा कैश, तो एक्स्ट्रा कैश जब भी कंपनी के पास होती है तो अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करता है, कंपनी डिविडेंड एक तो पेमेंट करता है, कंपनी सेकंड ऑप्शन देखता है कि कोई अच्छा कंपनी है या एक्वायर कर सकता है कंपनी तो एक्विजिशन हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्वेस्ट कर सकता है सिक्योरिटीज में, तो कंपनी हैव एन अदर ऑप्शन अवेलेबल दैट इज दे कैन आल्सो इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज, अदरवाइज दे कैन आल्सो गो फॉर बायबैक। तो यूज कर सकता है वो इनफ कैश फॉर बायबैक। तो दीज आर द बेसिक ऑप्शंस अवेलेबल whenever the company is having the surplus cash, ठीक है। surplus cash रहेगा, अभी ये बहुत सारे objectives है कि buyback का objective क्या है। तो buyback का objective है सबसे पहला intrinsic value of share को बढ़ाना। intrinsic value का मतलब होता है जो उसका share का exact value, what is the exact value of share। so intrinsic value of share को बढ़ाने के लिए भी buyback किया जा सकता है। Then the second option is to increase the earning per share। तो ऑब्जेक्टिव्स में सेकंड ऑप्शन है हमारा EPS बढ़ाना। EPS का मतलब होता है जो भी हमारे शेयर होल्डर्स है उन्होंने जितने भी शेयर्स परचेस किए हैं उसके ऊपर उनको कितना रिटर्न्स मिल रहा है, so that is called as the EPS। EPS को भी बढ़ा सकते हैं, अर्निंग पर शेयर कैन ऑल्सो बी इंक्रीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैव टू रिमेम्बर। Then the third option is to reduce the excess share capital, तो excess share capital can also be reduced। तो एक्सेस शेयर कैपिटल जो रहेगा मतलब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर्स में ही करके रखा है, ज्यादा से ज्यादा कंपनी ने शेयर्स ही इशू किया है, तो उसके लिए हम शेयर कैपिटल को एक्सेस रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन हैव दी सरप्लस कैश लाइंग इन द बिजनेस, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट इट। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अ कंपनी कैन यूज व्हेनेवर वी आर हैविंग इनफ या सरप्लस कैश अवेलेबल। टू इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स और द प्रेजेंट मैनेजमेंट, सो जब शेयर्स मार्केट में होंगे तब लोगों के पास मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे शेयर्स होंगे और प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग कम हो जाए। लेकिन प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोटर्स हैज टू परचेस द शेयर्स अगेन फ्रॉम द मार्केट। सो दैट इज व्हाई फॉर इंक्रीजिंग द प्रमोटर्स होल्डिंग दिस पॉइंट अराइजेस एंड दैट पॉइंट इज व्हाट। रवि यादव एनोटेट मांग रहे आप, जस्ट 1 सेकेंड में आपका एनोटेशन ही बंद कर देता हूँ सर। Sorry sir, sorry. Kindly do not annotate, do not write anything. Just you have to listen. ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है। आपके पास पेन अवेलेबल है, आप पेन से स्क्रीन पे कुछ भी लिखोगे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना, तो ध्यान से समझो सिर्फ। मुझे समझ में आता है यहाँ पे किसने एनोटेट किया है, तो फिर काफी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे आप, वरना मैं आपको फिर लेक्चर में से ब्लॉक कर दूंगा। टू इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स मैनेजमेंट बढ़ाना, प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग बढ़ाना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिवेंट टेकओवर कॉम्पिटिट्स ऑफ द अटेम्प्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, तो जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो हमारे बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हैं, इसके लिए वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो टेक ओवर ना करे। फॉर दैट पर्पस ऑब्जेक्टिव्स है बायबैक के, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ओवरऑल पढ़ने के लिए यहाँ पर डाले हैं ताकि अगर जो एमसीक्यूज बेस्ड पूछे जाएंगे तो उसमें आपको एक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। टू इफेक्ट द फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और द अमालगमेशन, तो अमालगमेशन करने के लिए, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए भी ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। एंड दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायबैक। अभी हमने पढ़ लिया कि बायबैक क्या होता है, और अभी हमने पढ़ लिया कि बायबैक कंपनी किस तरीके से करता है, कब करता है, एंड बायबैक करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एवरीवन, इज इट क्लियर दिस मच? जस्ट कमेंट इन द चैट सेक्शन सो दैट आई कैन मूव फर्दर। एवरीवन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम वाचिंग योर कमेंट्स। इफ यू कमेंट प्रॉपरली देन वी कैन मूव फर्दर। अभी तक जितनी बातें बताई समझ में आई? ऑलरेडी ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ऑलरेडी आपको सारे डिटेल्स मैंने भेजे हैं। देखो, देर आर मोर देन 150 स्टूडेंट्स एंड जस्ट नाउ आई हैव 18 स्टूडेंट्स। तो दैट्स व्हाई लाइव लेक्चर्स इज नॉट अ बेसिक ऑप्शन अवेलेबल, बिकॉज लाइव लेक्चर्स में अभी मैं गूगल मीट पे अगर लेक्चर लूँ तो गूगल मीट का प्रॉब्लम ये रिकॉर्डिंग ही नहीं होता उसका। जब तक गूगल शूट नहीं लेंगे तब तक रिकॉर्डिंग नहीं होता, और रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा तो मैं लेक्चर में जो भी बोलूंगा बाद में आपको अगर कुछ देखना होगा तो आप देख ही नहीं सकते। दैट इज व्हाई मैं आपको रिकॉर्डिंग इसलिए भेज रहा हूँ कि आप जिस तरीके से, आपको जब देखना होगा, आपको जब टाइम मिलेगा, आप अपने टाइम के बेसिस पे वो सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड वी विल हैव अ लाइव सेशन लाइक दिस ओनली ऑन जूम। एंड अभी आज 18 बच्चे ज्वाइन हुए हैं। ये जूम पे जो लाइव सेशन है आज का, ये रिकॉर्ड होने वाला है, और ये रिकॉर्ड करके मैं ऐप के ऊपर अपलोड करूंगा। जब भी आपको लगेगा कि मुझे जो भी लाइव सेशन हुआ था उस पे सर ने क्या बताया था, थोड़ा रिवाइज करना है, तो यू कैन गो ऑन दी ऐप, रिवाइज करें। लेकिन ऐप डाउनलोड करने के बाद बैच जो है वो ज्वाइन कर ले। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बैच का लिंक कोड भेजा था। बैच ज्वाइन करने का फायदा ये है कि आपको सारी चीजें वहां पे फ्री में मिलेगी, बिकॉज वो ऐप जो है दैट इज बीन प्रोवाइडेड ऑन दी यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो यूट्यूब से भी काफी बच्चे वहां से मुझसे जुड़ते हैं, तो उसमें मैंने पेड कोर्सेज भी डाले। सिंस यू आर नॉट इन द पेड कोर्स, आपको बैच ज्वाइन करना है, बैच कोड डाला है। बैच कोड के अंदर आप अगर एक बार आप बैच ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहां पे फ्री में मिल जाएगा सब। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। Let us move further. Now we will be having the benefits of buyback. So benefits मैंने already आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। These are the points. कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ना, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना, कंपनी का EPS जो है that is called as earning per share बढ़ना, और ये सारी चीजें कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकती है, कंपनी के लिए ये सारी चीजें बेनिफिशियल हो सकती है। That means whenever the company is doing buyback, the company can get this kind of benefits. तो ये सारे benefits जो है वो कंपनी को क्या हो सकते हैं, कंपनी को सारे benefits जो है वो मिल सकते हैं। तो these all points you should remember. Basically, this PDF I'm going to share with you so that you can have a overview about the points. So let us move further. This is important. This is very very important. तो ध्यान रखना, काफी important point है, तो आपको ध्यान रखना है। Section 68. What does the Section 68 is dealing with? Section 68 is dealing with the Companies Act 2013. Section 68 is पूरे चैप्टर का बेसिक सेक्शन है। मतलब बायबैक करने के लिए प्रोविजंस इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में दिया है। एंड दिस 2013 में जो प्रोविजंस are being related as per section 68. Now what does this section 68 is saying? Let us have one by one. It's very important from your exam point of view. You should concentrate on all these points because yahan se aapko paper mein MCQs ja sakta hai. theek hai, to dhyan se aapko yaad rakhna hai. First point hai, the buyback is authorized by the articles of association. तो बायबैक इज ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि वी ऑल नो बेसिक डॉक्यूमेंट्स में वी हैव आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो पेपर में आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए कि बायबैक जो है वो किसके बेसिस पे ऑथोराइज होता है, तो वो आपको याद रखना है। बायबैक इज ऑथोराइज एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। The second point is special resolution has to be passed in the general meeting. तो आपने 11th स्टैंडर्ड में एसपी में पढ़ा होगा कि रिजोल्यूशन पास करना बहुत जरूरी है. तो जैसे कि हम जीआर कहते हैं, जीआर क्या होता है जनरल रिजोल्यूशन, और एसआर क्या होता है स्पेशल रिजोल्यूशन. सो whenever we are going to do buyback, we are going to have a special resolution passed in the general meeting. Unless and until we pass a special resolution in the general meeting, we cannot go for buyback. So these are all the certain conditions as per section 68 of the Companies Act 2013. That means company has to follow this kind of points, these rules the company has to follow. Then only company can go towards the buyback. So सबसे पहला rule क्या है हमारा? बायबैक जो होता है वो आर्टिकल्स के बेसिस पे ऑथोराइज होना चाहिए. आर्टिकल्स मतलब यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कहना चाहता हूँ. सेकंड जो है दैट इज स्पेशल रिजोल्यूशन हैज टू बी पास इन द जनरल मीटिंग कि सभी के बेसिस पे सभी लोग एग्री होने चाहिए, बोर्ड एग्री होना चाहिए और उसके बेसिस पे देयर शुड बी अ स्पेशल रिजोल्यूशन पास. तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है buyback must be less than 25% of the paid up capital and free reserve. Very important point. मैंने अभी आपको कहा था कि buyback कंपनी अपने मार्केट से फिर से शेयर्स परचेस कर सकता है, लेकिन सेक्शन 68 कहता है कि buyback कितना परसेंट हो सकता है. तो आपको याद रखना है कि कंपनी कैन बाय बैक मैक्सिमम 25% ऑफ इट शेयर्स फ्रॉम द मार्केट. दैट मींस अगर 100 शेयर्स मार्केट में है तो 100 में से सिर्फ 25 शेयर्स ही मार्केट में से बाय बैक हो सकते हैं. रिमेनिंग 75 शेयर्स मार्केट में ही रहने चाहिए. ऐसा सेबी का रूल है, ऐसे गाइडलाइन सेबी ने दिए हैं और ऐसे पूरे प्रोविजन सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है. आपको याद रखना है परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कंपनी कितना परसेंट मैक्सिमम बायबैक कर सकता है, हाउ मच बायबैक कंपनी कैन डू. तो वी हैव टू रिमेंबर दैट कंपनी कैन बायबैक मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड द फ्री रिजर्व. ठीक है. फर्दर a company cannot buy back more than 25% of the number of shares issued. So that is the major point which I have already explained to you, that company can maximum do buyback of 25% of its shares. Company cannot do buyback more than 25%. And the very important ratio which we have to look after buyback, that is called as the debt equity ratio. So आपने SY में management account में ratio analysis पढ़ा होगा. तो ratio analysis में डेट इक्विटी रेशियो होता है. डेट का मतलब यहाँ पे है बोरोड फंड्स और इक्विटी का मतलब यहाँ पे होता है शेयर होल्डर फंड्स. तो डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वो आपका 2:1 को एक्सीड नहीं करना चाहिए. मतलब कि डेट इक्विटी रेशियो बायबैक करने के बाद 2:1 से कम होना चाहिए. अगर वो 2:1 से ज्यादा रहा तो आप फिर बायबैक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये सारे प्रोविजन जो है that is been given as per the Indian Companies Act 2013 and which is covered under section 68 of the Companies Act 2013, and we have to follow all these provisions, we have to follow all these rules, and then we can go for buyback. If we are not following any of the rule, we cannot go for buyback. ये important point है. यहाँ से आपको MCQs paper में पूछे जा सकते हैं. So ये काफी important point है जो आपको ध्यान रखना है. ठीक है. तो ये important point है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं. राहुल हैज रेज्ड द हैंड एज यूजुअल. देखते हैं राहुल को क्या डाउट है. राहुल को मैं अनम्यूट करता हूँ. राहुल, हेलो राहुल, यस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. दादा ते चौथा पॉइंट जो होता ते समजायला नाही आलं. 25% राहुल शेअर्स 25%. Hello, I'm not getting you. Hello, sir. Yes. You are audible now. Okay, sir. 25% of shares जो fourth point है वो मुझे आप प्लीज एक बार समझा सकते हैं क्या? Yes. जो आपने बोला था कि तो 25% of the share paid up capital can be buyback. इसका मतलब क्या है कि if the company has issued 100 shares in the market, then company can buy back या company can repurchase only 25% of that. तो 100 का 25% कितना आएगा? 25 आएगा. मतलब ये है कि जो भी मार्केट से शेयर्स कंपनी बायबैक करेगा कंपनी सिर्फ 25% ही बायबैक कर सकता है, रिमेनिंग 75% शेयर्स अभी भी मार्केट में होंगे। अगर कंपनी ने सबके सब शेयर्स बायबैक कर लिए तो फिर सभी डिसीजन पावर कंपनी के पास आ जाएगा and there will be a problem related to the shareholders. That is why as per the section 68 of the Companies Act 2013, it is been restricted that company can maximum do buyback of 25%. चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हमारे नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, स्टेप्स इन बायबैक। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होंगे, जिसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। और जो बच्चों ने अभी लेट ज्वाइन किया है, एडमिशन लेट हुआ है, ग्रुप में लेट ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए सारे वीडियोस का लिंक एक साथ भेज दूंगा। आज ये जो आज का वीडियो है, हमारा आज का लेक्चर है, इसका रिकॉर्डिंग आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। और जो मैंने पहले जितने भी आपको वीडियोस भेजे थे, वो सारे वीडियोस का लिंक बना के एक साथ आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा। तो अपने टाइम के बेसिस पे आप वीडियोस को देखें, जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन अपने बुक में सॉल्व करके रखें, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट अस स्टार्ट विद द स्टेप्स इन द बायबैक। द फर्स्ट स्टेप इन द बायबैक इज सोर्सेस। तो आपको सोर्सेस आइडेंटिफाई करना है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, तो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया है। सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट 25% ऑफ द ओन फंड्स। तो हमें 25% ढूंढना है ओन फंड्स का। ओन फंड्स क्या होते हैं, ओन फंड्स का 25% कैसे ढूंढना है, एवरी पॉइंट वी आर गोइंग टू सी नाउ। तो लेट अस सी वन बाय वन, फर्स्ट द थ्योरेटिकल बेसिक्स, देन वी विल हैव अ प्रैक्टिकल सॉल्विंग ऑल्सो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाया है उसी को आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। द रूल नंबर थर्ड इज ओन फंड्स माइनस 50% ऑफ द बोरोड फंड्स। तो वी हैव टू कैलकुलेट द ओन फंड्स। ओन फंड्स हम जो कैलकुलेट करेंगे उससे आपको क्या करना है, 50% ऑफ बोरोड फंड ढूंढना है और वो माइनस करना है। तो ये पहले रूल याद रखे, इसको मैं प्रैक्टिकल जब आपको समझाऊंगा तब दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे, फुल्ली पेड अप। तो व्हाट इज द पॉइंट फुल्ली पेड अप मींस? सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 25% वी हैव टू कैलकुलेट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड दैट शुड बी फुल्ली पेड अप। नाउ रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल व्हिच आई एम सेइंग नाउ, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स होंगे या पार्टली पेड अप जो भी शेयर्स होंगे उसका हम बायबैक नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमारे शेयर्स का फेस वैल्यू 10 है और 10 रुपीज हमारे शेयर्स का फेस वैल्यू है, लेकिन लोगों से हमें पैसे सिर्फ 8 रुपीज आए होंगे, तो 2 रुपया लोगों से आना बाकी है, शेयर होल्डर से आना पेंडिंग है, ऐसे ही शेयर्स को पार्टली पेड अप शेयर्स कहा जाता है। वेन एवर द फेस वैल्यू इज नॉट फुल्ली रिसीव्ड बाय द कंपनी, तो जब भी फेस वैल्यू पूरा रिसीव नहीं हुआ है तो हमें उस शेयर्स को हम क्या कहते हैं, दैट शेयर्स आर कॉल्ड एज पार्टली पेड अप शेयर्स। लेकिन पार्टली पेड अप शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकते, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सो इन दैट केस पार्टली पेड अप शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो हम क्या करेंगे, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, लोगों को बोलेंगे जितने पैसे आपके पेंडिंग है वो पेमेंट करो, भरो, और फिर जब लोग पूरा पेमेंट कर देंगे उसके बाद वो पार्टली पेड अप शेयर्स क्या हो जाएगा, वो पार्टली पेड अप शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाएगा, और फुल्ली पेड अप होने के बाद ही हम बायबैक कर सकते हैं। तो दीज आर द रूल्स, दीज आर द स्टेप्स व्हिच वी कैन यूज फॉर कैलकुलेटिंग द बायबैक। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके समझाऊंगा कि इसको हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है। फिर लास्ट में हम ढूंढते हैं मैक्सिमम बायबैक, कितना कंपनी मैक्सिमम बायबैक कर सकता है। तो ऑल दिस पॉइंट्स व्हिच वी are written over here called as the steps in the buyback of shares. This will be used while solving the questions, and the questions which we are going to solve वो हमने already solve कर लिया है। किस तरीके से उसको solve करना है वो सारे videos में आपको फिर से एक बार अभी send कर दूंगा। तो this was an overall revision related to the point कि किस तरीके से इसको हमें अभी याद रखना है। तो अभी free reserves के बारे में ध्यान रखना। इस chapter में फ्री रिजर्व्स का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रिजर्व्स, व्हाट डू यू मीन बाय द कांसेप्ट ऑफ फ्री रिजर्व्स? ठीक है, तो फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या है, फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या है वो आपको ध्यान रखना है। तो किस तरीके से हम फ्री रिजर्व्स को ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीजें हैं उसमें आपको ध्यान रखना है। लेट अस सी वन बाय वन। फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है ऐसे रिजर्व्स जो हम डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं। क्या है फ्री रिजर्व्स का मतलब? क्या है ऐसे रिजर्व्स जो हम डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्री रिजर्व्स इज नथिंग बट द रिजर्व्स व्हिच वी आर यूजिंग फॉर पेइंग द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो आई हैव गिवन द एग्जांपल्स, आपको कोई टेंशन लेने का काम नहीं है। सारे रिजर्व्स मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखे हैं, कौन से फ्री रिजर्व्स होते हैं और कौन से फ्री रिजर्व्स नहीं होते। All those reserves which we cannot use for paying the dividend to the shareholders are called as other reserves. That means they are non-free reserves. और इस chapter में free reserves ही हमारे लिए important है। Let us see one by one. Profit and loss account, general reserve account, dividend equalization reserve account, securities premium account, investment fluctuation reserve. तो ये सारे जो reserves आपको दिख रहे हैं, ये सारे हमारे free reserves है। एंड ये रिजर्व्स को छोड़ के बाकी जितने भी रिजर्व्स हमारे क्वेश्चन में दिए जाएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज द अदर रिजर्व्स। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम अदर रिजर्व्स कहेंगे या नॉन फ्री रिजर्व्स कहेंगे। तो सिंपल मीनिंग ऑफ फ्री रिजर्व्स इज व्हाट? ऑल दोज रिजर्व्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग डिविडेंड इज कॉल्ड एज फ्री रिजर्व्स एंड ऑल दोज रिजर्व्स व्हिच वी कैन नॉट यूज फॉर पेइंग द डिविडेंड इज कॉल्ड एज नॉन फ्री रिजर्व्स। लेकिन डिविडेंड देने के लिए इसमें से एक रिजर्व यूज नहीं होता, सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन इस चैप्टर में, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, इस चैप्टर में सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्री रिजर्व। तो वाई आई एम मोर स्ट्रेसिंग ऑन द फ्री रिजर्व कंसेप्ट? बिकॉज while calculating the sources of buyback, we are having the free reserves part as very important. तो free reserves काफी important role play करता है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे हमारे एक practical question को, जो मैं आपके साथ अभी share कर रहा हूँ, ध्यान से। और अगर बीच में से कट जाता है तो फिर से सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके, आई हैव शेयर्ड द क्वेश्चन विद यू। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको भेज दिया था, वीडियो हमने सीख लिया है और वीडियो हमने किस तरीके से इसमें कैसे सॉल्व करना है वो भी देखा है, ठीक है? आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ भूषण लिमिटेड, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फर्म कैन बाय बैक। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फर्म कैन बाय बैक, आपके सामने देखो कंपनी का डिटेल्स अवेलेबल। 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इच फुल्ली पेड अप। नाउ दिस इज फुल्ली पेड अप, नो इश्यू इन दैट। We have general reserve, we have profit and loss, we have securities premium, and we have secured loan, unsecured loan. So these are the details given to you in the question. And हमें calculate करना है buyback. अब ध्यान से समझना, सब कुछ मैंने यहाँ पे solve करके रखा है ताकि हमारा time भी बच जाए और आपका revision भी हो जाए। इसका video already मैंने आपके साथ share किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी मैं इस lecture के बाद सारे वीडियोस एक साथ शेयर कर रहा हूँ so that आपको उसका रिवीजन प्रॉपरली सिस्टमैटिक बेसिस पे हो। नंबर वन, सबसे पहला पॉइंट, वी विल बी कैलकुलेटिंग द फ्री रिजर्व्स, ठीक है? अगर बीच में से कट जाएगा तो सेम लिंक से रीजॉइंड कर लो। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सेम लिंक से रीजॉइंड कर लेना ताकि ये क्वेश्चन नंबर वन हमारा रिवाइज हो सके, ठीक है? सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज sources which is called as free reserves. So now only we have learned about the free reserves. So first of all हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन में देखना है कि कितने reserves available है। तो हमने देखा क्वेश्चन में general reserve है 36 lakhs. Then हमारे पास we have profit and loss account 40 lakhs. Then we have securities premium 40 lakhs. So we have to write this again. And these three are the free reserves available. तो जनरल रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व दिख रहा है आपको, कितना अमाउंट है 36 lakhs, ऊपर का ही अमाउंट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 40 lakhs, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आई हैव रिटन ओवर हियर एज 40 lakhs। सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो हमने यहाँ पे देखा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारा 4 lakhs, तो आई हैव रिटन 4 lakhs ओवर हियर। Then we have to do what? Then we have to take the total of all these three points: general reserve, profit and loss, and securities premium. So general reserve is 36 lakhs, profit and loss is 40 lakhs, and securities premium is 4 lakhs. So इन सभी को हमें add करना है और सभी को add करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 80 lakhs. And this 80 lakhs will be called as total sources, जिसको हम A नाम से represent करेंगे। बहुत ही simple है। जितने भी रिजर्व्स होंगे उन सारे रिजर्व्स को हमें क्या करना है? उन सारे रिजर्व्स को हमें ऐड करना है और सारे रिजर्व्स को ऐड करने के बाद हमें जो भी आंसर मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ए मार्क से डोनेट करेंगे। तो ये ए नंबर जो है, ए इज व्हाट? ए इज टोटल सोर्सेस एंड दैट इज रिलेटेड विद 80 लाख। तो ए हमारा टोटल सोर्सेस है और वो हमारा कितना है? वो हमारा 80 लाख यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? तो काफी सिंपल कैलकुलेशन होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला हमें सोर्सेज ढूंढना है। सोर्सेज ढूंढने के बाद अगला स्टेप, तो अगला स्टेप ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला स्टेप। एंड नेक्स्ट स्टेप इज ओन फंड्स माइनस ओन फंड्स एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द 25% ऑफ ओन फंड्स। तो हम क्या करेंगे, पहले ओन फंड्स ढूंढेंगे और उसका 25% ढूंढेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, याद रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने बुक में सॉल्व करके रखिए। सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स में सिर्फ वीडियोस देखना या ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस यू हैव टू सॉल्व इन योर बुक, बिकॉज इस बार आपको एमसीक्यूज बेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे 2-2 मार्क्स के लिए। तो अगर आइए आपको चीजें पता नहीं होगी तो यू कैन नॉट सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसका आंसर आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा, बिकॉज एमसीक्यूज बेस आया तो सब गूगल पे आंसर ढूंढते हैं, सब बुक में आंसर ढूंढते हैं और अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन इस बार आपको एमसीक्यूज बेस में प्रैक्टिकल छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान रखना। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल, लेट अस सी द क्वेश्चन वन मोर टाइम। सो वी हैव 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो हमने क्या किया, 60,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें फिर मिल गया 60 लाख। यहाँ पे मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है 60 लाख। तो आप कहेंगे सर 60 लाख कैसे आया, तो ये 60 लाख इस तरीके से हमने लिखा है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सिंस वी आर नॉट हैविंग प्रेफरेंस इन द क्वेश्चन, आई हैव पुट अ डैश ओवर हियर। फिर ऐड फ्री रिजर्व्स। अभी फ्री रिजर्व्स कहाँ से लाया, देखो पॉइंट नंबर 1 में आपको टोटल सोर्सेस मिला था 80 लाख, वही आपको यहाँ पे नीचे कॉपी करना है 80 लाख। तो 60 lakhs plus 80 lakhs will be 1 crore 40 lakhs and this 1 crore 40 lakhs is what? This is your own funds. तो ये आपका own funds आ गया 1 करोड़ 40 लाख। तो 1 करोड़ 40 लाख आपका own funds यहाँ पे बन गया। तो स्टेप नंबर 1 है आपका टोटल सोर्सेस को कैलकुलेट करना। हाउ डू वी कैलकुलेट टोटल सोर्सेस? वी आर कैलकुलेटिंग टोटल सोर्सेस बाय एडिंग ऑल द रिजर्व्स। हम सारे रिजर्व्स को ऐड कर लेते हैं तो हमें टोटल सोर्सेस मिल जाते हैं। और टोटल सोर्सेस मिलने के बाद हम अगले स्टेप में जाते हैं। स्टेप नंबर 2 विल बी ओन फंड्स एंड 25% ऑफ ओन फंड्स। तो हम क्या करते हैं, ओन फंड्स और 25% ढूंढते हैं ओन फंड्स का। तो 25% ओन फंड्स का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, हमारा सेकंड पॉइंट एंड दैट इज दी। सो स्टेप नंबर 1 हमने पढ़ लिया, स्टेप नंबर 2 हमने पढ़ लिया है। स्टेप नंबर 1 हमारा हो चुका है। स्टेप नंबर 1 क्या है, टोटल सोर्सेस को कैलकुलेट करना। हाउ डू वी कैलकुलेट टोटल सोर्सेस? वी आर एडिंग ऑल द रिजर्व्स टुगेदर एंड दैट इज द टोटल सोर्सेस। स्टेप नंबर 2 इज कैलकुलेशन ऑफ ओन फंड्स। हाउ डू वी कैलकुलेट ओन फंड्स? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस प्लस फ्री रिजर्व्स, वी आर गेटिंग द टोटल एज ओन फंड्स। और जैसे ही हमें ओन फंड्स मिल जाएगा तो फिर हम क्या करते हैं, 25% कैलकुलेट करते हैं ओन फंड्स का। देन वी आर कैलकुलेटिंग द 25% ऑफ द ओन फंड्स। तो हमारे पास 25% ऑफ द ओन फंड्स आ जाते हैं। और हमने क्या किया, 1 करोड़ 40 लाख का 25% कैलकुलेट कर लिया। आप बोले सर 25% कहाँ से आया, तो हमने अभी रूल पढ़ा था कि बायबैक 25% हो सकता है। ठीक है, तो 25% ऑफ द ओन फंड्स कैलकुलेट कर लिया, तो हमें मिल गया 35 लाख एंड ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज 35 लाख। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि 1 करोड़ 40 लाख को ही वो बी मार्किंग करते हैं। वैसा नहीं करना है। 1 करोड़ 40 लाख इज योर ओन फंड्स एंड पॉइंट नंबर 2 में स्पेसिफाई किया है यहाँ पे मैंने कि ओन फंड्स एंड 25% ऑफ ओन फंड्स। तो वी नीड टू कैलकुलेट द ओन फंड्स एंड वी नीड टू कैलकुलेट 25% ऑफ द ओन फंड्स। तो सिंस वी हैव ओन फंड्स ऑफ 1 करोड़ 40 लाख एंड 25% of the 1 crore 40 lakhs will be 35 lakhs and that will be marked as alphabet B. तो alphabet A हमारे पास आ चुका है, alphabet B भी हमारे पास आ चुका है। अभी हम जाएंगे हमारे तीसरे ऑप्शन में, और तीसरा ऑप्शन है हमारा पॉइंट नंबर 3rd। पॉइंट नंबर 3rd क्या है? पॉइंट नंबर 3rd इज ओन फंड्स माइनस 50% ऑफ बोरोड फंड्स। तो ध्यान रखना है, ओन फंड्स में से हमें बोरोड फंड्स कैलकुलेट करके उसका 50% ढूंढना है। जैसे अभी ओन फंड्स यहाँ पे मैंने लिखा है 1 करोड़ 40 लाख। ये कहाँ से लाया 1 करोड़ 40 लाख? तो ये आपको ऊपर दिख रहा है, एरो मार्क भी किया है मैंने यहाँ पे। 1 करोड़ 40 लाख इज द ओन फंड्स। तो 1 करोड़ 40 लाख में से हमें बोरोड फंड्स लेने हैं। बोरोड फंड्स आप बोलेंगे वो कहाँ से लाए सर? बोरोड फंड्स देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, वी हैव सिक्योर्ड लोन 40 लाख्स एंड वी हैव अनसिक्योर्ड लोन 20 लाख्स। तो 40 लाख्स और 20 लाख्स ये दोनों के दोनों हमारे बोरोड फंड्स हैं। तो 40 लाख्स एंड 20 लाख्स ये दोनों के दोनों हमारे बोरोड फंड्स है। अभी जिनको भी कोई प्रॉब्लम आता है, जिनको भी कोई डाउट आता है, वो वीडियो का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ताकि जो हमने वीडियोस ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर लिए वो आप ध्यान से देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो, जब तक आप मेरे पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल वे में आपको बताया। फर्स्ट स्टेप करना है फ्री रिजर्व्स का टोटल करना, सेकेंड स्टेप करना है ओन फंड्स का कैलकुलेशन करना, एंड देन टू अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि कुछ पॉइंट में मुझे क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग सो दैट आपको सारी चीजें वहां पे रिकॉर्ड हुई मिलेगी, आप अपने बेसिस पे अपने मर्जी से टाइम से देख सकते हैं। तीसरा स्टेप है 50% ऑफ बोरोड फंड ढूंढना। अभी ये 50% ऑफ बोरोड फंड देखो, ये बोरोड फंड में सिक्योर्ड लोन है 40 लाख, अनसिक्योर्ड लोन है 20 लाख्स। तो 40 लाख्स और 20 लाख्स ये दोनों का टोटल कितना है, दैट इज 60 लाख्स। तो 40 लाख्स प्लस 20 लाख्स इज 60 लाख्स और 60 लाख्स का हमें 50% ढूंढना है। 40 लाख्स प्लस 20 लाख्स कहाँ से लाया, 40 लाख्स प्लस 20 लाख्स देखो अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन इन दोनों का टोटल किया। सिक्योर्ड लोन इज 40 लाख्स, अनसिक्योर्ड लोन इज 20 लाख्स। तो 40 प्लस 20 विल बी 60 लाख्स। 60 लाख्स का 50% वी हैव टू कैलकुलेट। तो 60 लाख्स का 50% कितना आता है, 30 लाख्स। तो आपको अभी यहाँ पे मिल रहा है 1,40,00,000 माइनस 30 लाख्स। तो यू विल गेट द ऑप्शन नंबर 3 and that is 1,10,00,000 as alphabet number C. तो ये कैलकुलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। You need to practice this for remembering the steps. Step number 1, sources. Step number 2, own funds and 25% of own funds. Step number 3 is 50% of the borrowed funds. So step number 3 क्या करना है, 50% ढूंढना है borrowed funds का और ओन फंड्स में से उसको माइनस कर देना है। तो हमने स्टेप नंबर 3 भी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज अल्फाबेट C। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हुआ, स्टेप नंबर 2 हुआ, स्टेप नंबर 3 हुआ। एवरीवन क्लियर विद दिस मच? तो एक बार कमेंट करके बता दो मुझे, सभी को क्लियर है इतना? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वंस सो दैट वी कैन मूव फर्दर। राहुल टेरडे, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग देख लो। अभी बार बार मैं वही चीजें एक्सप्लेन करता रहूंगा तो आगे का रह जाएगा। ठीक है राहुल, यू आर इन्फॉर्म दैट यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग देख लेना, और रिकॉर्डिंग देख के भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग देख लो, इसके पहले जो वीडियोस भेजे थे वो भी देख लो, बहुत सिंपल है, आप उसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो आप अगर आपको कोई भी चीजें में प्रॉब्लम आती है। तो हमने पहला स्टेप देखा सोर्सेस, दूसरा स्टेप देखा ओन फंड्स एंड 25% ऑफ दी ओन फंड्स, तीसरा स्टेप हमारा है ओन फंड्स माइनस 50% ऑफ बोरोड फंड्स। अब फोर्थ और आखिरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टेक्निकल, वेरी कैलकुलेटिव। तो ध्यान रखना ये स्टेप में गड़बड़ होता है, ये स्टेप में आपके मिस्टेक होते हैं, तो जरा कॉन्सेंट्रेट करके सुनो जो अभी मैं कहना चाहता हूँ। सो इफ यू कॉन्सेंट्रेट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थर्ड स्टेप, सॉरी फोर्थ स्टेप, 25% of equity share capital and which will be fully paid up. ठीक है, अब ध्यान से एक एक चीज सीखेंगे। 25% of equity share capital. Let us see the question. Question में आप देख सकते हो, या फिर हम सिंपल तरीका करेंगे, हम वर्किंग नोट नंबर 2 जो बनाया, वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 60 लाख। तो 60 लाख यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट दिख रही है, एंड इसी 60 लाख का हम 25% ढूंढेंगे एज पर पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 कहता है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 25% वी हैव टू कैलकुलेट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% हमने ढूंढा, 60 लाख का 25%। 60 लाख कहाँ से लाया, वर्किंग नोट नंबर 2 देखो, 2 पॉइंट में इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट है 60 लाख। तो 60 लाख का 25% हमने कैलकुलेट कर लिया एंड द वैल्यू इज 15 लाख। तो 15 लाख हमारी वैल्यू आ गई है। तो 15 लाख इज द वैल्यू। 15 लाख कैसे मिला, 25% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल विच वी हैव कैलकुलेटेड। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप अगर जाते हो तो समझ में आएगा। सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट इज 15 लाख। फिर 15 लाख को हमने फेस वैल्यू से डिवाइड किया। फेस वैल्यू कहाँ से आया, यहाँ पे देखो 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 100 हमारा फेस वैल्यू है। तो हमने क्या किया, 15 लाख को 100 से डिवाइड किया, वी गॉट द आंसर एज 15,000 शेयर्स। हमको आंसर मिला है 15,000 शेयर्स। ठीक है, कैसे मिला, 15 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 100, so we got the answer as 15,000 shares. Then the next step will be we need to calculate the amount of shares. अभी ये कैसे ढूंढना है, amount of shares calculate करने के लिए we are using the formula number of shares multiplied by offer price. ठीक है, number of shares को आपको क्या करना है, offer price के साथ multiply करना है। तो अभी number of shares कहाँ से लाएंगे, ये देखो ये 15,000 जो हमने calculate किया है वही हमने number of shares में लेने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 15,000 एंड ऑफर प्राइस कहाँ से लाना है, ऑफर प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है, ऑफर प्राइस क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑफर प्राइस मेंशन है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 250। ठीक है, क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया जाएगा तो आई विल बी राइटिंग ओवर हियर 250। ठीक है, तो ऑफर प्राइस यहाँ पे आपके पास है, तो क्या करना है हमको 250 से मल्टीप्लाई करना है। तो वी आर गेटिंग दी 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 250 दैट इज 37,50,000। तो ऑफर प्राइस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट द पॉइंट के ऑफर प्राइस का नहीं रहेगा तो क्या करने का। वैसे वाले क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवाए हैं कि ऑफर प्राइस अगर नहीं दिया रहेगा तो हमें ऑफर प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ती है। दैट ऑल्सो हैव सॉल्व प्रॉपरली, हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। स्टेप नंबर 1 से लेके बैलेंस शीट तक हमने स्टेप बाय स्टेप सारे वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, एवरी पॉइंट वी हैव सीन प्रॉपरली एंड आई थिंक यू हैव वॉच ऑल द वीडियोस प्रॉपरली। इफ यू आर नॉट एट वॉच, अभी हमने ये जो लेक्चर के बाद में आपको सारे वीडियोस का लिंक एक बार फिर से भेज दूंगा। अब हमारा पॉइंट नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। पॉइंट नंबर 4 को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। Step number 1 in the point number 4 is we will calculate 25% of the equity share capital. We are having 60 lakhs in the question and 60 lakhs को हमने क्या किया, 60 lakhs को हमने 25% calculate कर लिया, तो we got the answer as 15 lakhs. After 15 lakhs, number of shares calculate किए, 15 lakhs divided by the face value. The face value in the question was 100, तो 15 lakhs को हमने 100 से divide कर दिया, तो हमें मिल गया 15,000 shares. Then the next point is amount of shares. तो amount of shares कैसे calculate होते हैं? Amount of shares calculate करने के लिए हमें करना पड़ता है number of shares multiplied by offer price. तो आपको number of shares को offer price के साथ multiply करना है, तो आपको मिल जाएगा answer. Offer price is given in the question as 250. 15,000 को अगर हम 250 से multiply करेंगे तो we will get the answer as 37,50,000. अभी ध्यान से सुनना, we got A, we got B, we got C and we got D. A कितना था? देखो ए था हमारा पॉइंट नंबर 1 में 80 लाख, बी कितना था, बी था हमारा पॉइंट नंबर 2 में, इट वाज 35 लाख, सी वाज 1 करोड़ 10 लाख एंड डी विच वी हैव कैलकुलेटेड नाउ इज 37,50,000. नाउ व्हाट इज द रूल फॉर बायबैक? बायबैक इज सेइंग दैट वेरी सिंपल रूल, ए बी सी एंड डी विच एवर इज लेस वी आर गोइंग टू कंसिडर. तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक बार देख लो, ए का 80 लाख है, बी का 35 लाख है, सी का 1 करोड़ 10 लाख है and D we are having as 37,50,000. Which of the following is smallest from all this? तो इनमें से छोटा amount देखना है, तो देखो सबसे छोटा ये B दिख रहा है मुझे 35 लाख, तो 35 लाख को हमें डिवाइड करना है ऑफर प्राइस के साथ. 35 लाख को हमने डिवाइड किया ऑफर प्राइस के साथ एंड द ऑफर प्राइस इज 250, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन करवाया ऊपर कि ऑफर प्राइस इज 250. तो 35 लाख को अगर हम 250 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा एंड द फाइनल आंसर इज 14,000 शेयर्स. तो ये जो कंपनी है, दिस कंपनी कैन बाय बैक ओनली 14,000 शेयर्स कैन बी बाय बैक. तो कितने शेयर्स को बाय बैक कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 14,000 शेयर्स को ही ये बाय बैक कर सकता है. एंड दिस इज द वर्किंग नोट व्हिच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. तो ये वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करना है, ये वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करना है फॉर कैलकुलेटिंग द बायबैक. तो कितने स्टेप्स में वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है, स्टेप नंबर 1 सोर्सेस, स्टेप नंबर 2 ओन फंड्स एंड 25% ऑफ ओन फंड्स, Step number 3, own funds minus 50% of borrowed funds. Step number 4, 25% of equity share capital. और step number 5, maximum buyback A, B, C और D, whichever is lower. उनमें से smallest amount ले लो, उसको divide करो offer price के साथ. Whatever answer you get, that will be your maximum buyback. So these are the steps which you have to remember while solving the practical questions. So now I will be sending you all the videos which I have sent of buyback. जितने भी मैंने buyback के videos भेजे थे, सारे के सारे videos का link आपको मैं share कर रहा हूँ. और ये जो अभी हमने सेशन लिया है, इसका रिकॉर्डिंग ऐप में अपलोड करूंगा. तो ऐप डाउनलोड करो, और ऐप में भी ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ऐप में ये आपको मिलेगा आपके जो रिकॉर्डिंग सेक्शन में, आपका जो बैच है उसके अंदर आपको मिल जाएगा. तो वहां पे आपको इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगा. तो दैट इज रिलेटेड विद योर रिविजन रिलेटेड टू बायबैक. बाकी सारे वीडियोज मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हैं. इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 2 मैंने फिलहाल शुरू किया है. तो चैप्टर नंबर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के आपको वीडियोस मिल रहे हैं. जैसे वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वैसे उसका भी एक रिवीजन ले लेंगे. लेकिन रिवीजन में आपको सारी चीजें समझने के लिए आपको वीडियोस ध्यान से देखने पड़ेंगे. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. बाय बाय. टेक केयर.